नमस्कार दोस्तों, मैं योगेन चौहान, आप देख रहे हैं बाईसी टेक कैरियर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं फेसबुक आईडी और पेज को वेरिफिकेशन को लेके। दोस्तों, अगर आप भी अपने फेसबुक आईडी या पेज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं और उनकी काफ़ी वैल्यू होती है। वो कोई भी अकाउंट फेक नहीं हो सकते हैं, फर्जी अकाउंट वो नहीं होते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं आप किस तरीके से अपने फेसबुक पेज या आईडी को वेरीफाइड करेंगे। दोस्तों, चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में प्यारी सी घंटी है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज या आईडी को वेरीफाई करें। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और चलते हैं क्रोम के अंदर। आपको क्रोम के अंदर से फेसबुक को खोलना होगा। तो क्रोम के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको राइट करना होगा facebook.com। जब आप डालेंगे, इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके से फेसबुक का आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। खुलने के बाद में आपको ये 3 माइनस के निशान दिखेंगे राइट हैंड पे, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर कुछ ऐसा सर्च करने का बार आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखना है ब्लूबेर्ड्स। ब्लूबेर्ड्स जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना है और इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में ये 2 आएंगे, कम्युनिटी आंसर आएगा और ऊपर आपका लिखा हुआ वेरिफिकेशन बैच, हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए ब्लू वेरिफिकेशन बैच, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको गौर से देखना है, हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए ब्लू वेरिफिकेशन बैच। इसके बाद में आपको क्या करना है, ब्लू वेरिफिकेशन बैच लेट्स पीपल नो दैट ए पेज आर प्रोफाइल पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑथेंटिक, और इसको पढ़ते जाना है। पढ़ के जाने के बाद में कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो, नेम, ये कंपलसरी होते हैं। और ये फॉलो लिखा हुआ है, फॉलो लिखे होने के इसके नीचे जहाँ पे ये ब्लू कलर का फॉलो लिखा है, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये लिखा है यू कैन सबमिट ए रिक्वेस्ट बाई फिलिंग आउट। इसके बाद में लिखा है दिस फॉर्म, दिस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन टाइप पेज और प्रोफाइल, तो आप अगर पेज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो पेज को क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से, और प्रोफाइल को करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल को आप कर सकते हैं। करने के बाद में इस तरीके से मैंने पेज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में ये मेरा पेज बाईसी टेक कैरियर नाम का ये पेज है, इसको मुझे क्लिक कर देना है। जो भी आप पेज करना चाहें उसको क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आपको दिखेगा प्लीज अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में एक आईडी आपको यहाँ से देनी है, जो भी आपका आईडी फ़ोटो हो, जैसे आधार कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा तो वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड दिए देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल में पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया आधार कार्ड को, ये अटैच हो गया। अटैच हो जाने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा मैसेज लिख देना है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको डियर फेसबुक टीम, प्लीज प्लीज वेरीफाई माय अकाउंट। वेरीफाई माय पेज
और नीचे लिख देना है थैंक्स, रिगार्ड्स में आप लिख सकते हैं, रिगार्ड्स मेरा नाम है योगेंद्र सिंह चौहान, तो ये मैं लिख देता हूँ। और पेज का नाम मैं डाल देता हूँ ब्रेकेट में, बाई सी टैच कैरियर, ये मैंने ब्रेकेट में डाल दिया। और डालने के बाद में इसको मुझे सेंड कर देना है, इसको मैंने सेंड कर दिया। अब मैंने इसको सेंड किया है, ये मैक्सिमम टाइम होता है 30 दिन का और मिनिमम टाइम होता है 1 हफ्ते का, तो ये 1 हफ्ते से 30 दिन के अंदर वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बताया है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया है किस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज या आईडी को वेरीफाइड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।